आज हम आप लोगों को क्लास इंटर की जीव विज्ञान पढ़ाएंगे, जीव विज्ञान यानी कि जूलॉजी, जिसमें फर्स्ट लेसन पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट लेसन चैप्टर वन का नाम है जीवों में जनन, इंग्लिश में समझ लीजिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो जीवों में जनन के सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे आप लोगों को। इंट्रोडक्शन क्या है, जिसमें आता है कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं व उनके उत्पादों का बना होता है। कोशिका क्या होती है, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। आप लोग जानते हैं सबसे पहले मनुष्य का शरीर कैसे बनता है, कोशिका बनती है, फिर उसके बाद में कोशिका के बाद में ऊतक बनते हैं, फिर ऊतक के बाद में अंगतंत्र बनते हैं, और फिर जो है अंग बनता है, उसके बाद में अंग के बाद में ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर बनता है। तो इस प्रकार से जो है मनुष्य के शरीर का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले कोशिका आती है, कोशिका जो माइक्रोस्कोपिक होती है यानी जिसको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। पेड़ पौधों की कोशिकाएं अलग होती हैं और जो है मनुष्य की कोशिकाएं अलग होती हैं। कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। तो देखिए उसके बाद में हम बताएंगे कोशिका जीवन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। तो संरचनात्मक क्या है, कोशिका की एक संरचना होती है जैसे हम बताए हैं, और ये तमाम कार्य करती है। देखिए जो हम आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिकाएं जो हैं, लाखों कोशिकाएं जो हैं मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन बनती और बिगड़ती हैं। तो कोशिकाएं जो हैं मनुष्य के शरीर में स्वतः ही भोज्य पदार्थ के द्वारा अपने आप बनती हैं और फिर बिगड़ जाती हैं। इन्हीं कोशिकाओं के माध्यम से जो है मनुष्य के जो है अंगतंत्र बनते हैं और फिर जो है अंग का निर्माण हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये जीव विज्ञान का एक मौलिक सिद्धांत है, सभी जीवधारियों पर खरा उतरता है। तो कहने का मतलब हुआ कि मनुष्य का जीवन जो है बिना कोशिकाओं के संभव नहीं है। अगर कोशिकाएं नहीं बनेंगी तो मनुष्य का जो जीवन है और मनुष्य का जो इतना लंबा शरीर है वो संभव नहीं है। कहने का मतलब हुआ कि कोशिका जो है जीवन का मूलभूत आधार है। अगर कोशिकाएं मनुष्य के शरीर में नहीं बनेंगी तो मनुष्य का जीवन जो है संभव नहीं है। फिर उसके बाद में प्रजनन की बात आती है। इसी में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के समझ लीजिए कि मनुष्य का एक बार जन्म हो गया और जन्म होने के बाद में उसकी एक जो है नियमित जो है आयु होती है 65 से 70 साल, नियरेस्ट अबाउट 100 साल ऐसे होती है। तो इसमें क्या होगा कि उसके बाद में उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद में अगर मनुष्य जो है अपने जैसी नई संतान उत्पन्न नहीं करेगा, मनुष्य क्या सभी जीवधारी, जीवधारी का मतलब हुआ जिसमें जान पाई जाती है, और जिसमें जान पाई जाएगी तो वो अगर अपने जैसी नई संतान उत्पन्न नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और उनकी जो पीढ़ी है वो नष्ट हो जाएगी। कहने का मतलब उनका पूर्ण रूप से जो है पतन हो जाएगा। इसलिए प्रजनन की बात आ गई अब रिप्रोडक्शन की। तो प्रजनन क्या है, तो प्रजनन का मतलब होता है कि अपने जैसी नई संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। कोई भी जीवधारी है अगर अपने जैसी नई संतान उत्पन्न कर रहा है तो उसको हम प्रजनन कहेंगे। जैसे ह्यूमन है, मनुष्य है, तो मनुष्य का लड़का जो है मनुष्य होता है। इसी प्रकार से जो कुत्ते हैं, डॉग हैं, उनका जो है न्यूबॉर्न चाइल्ड नया जन्मा बच्चा कुत्ता होता है, बिल्ली का बिल्ली होता है। इसी प्रकार से जो भी पेड़ पौधे हैं, आम के पेड़ से आम का पौधा उगता है, और भी तमाम प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं वो सब अपने जैसी नई संतान उत्पन्न करते हैं। तो जो मनुष्य हो या पेड़ पौधा हो, कोई भी जीवधारी अगर अपने जैसी नई संतान उत्पन्न कर रहा है तो उसको हम प्रजनन बोलेंगे। ये बात हो गई प्रजनन की। अब आगे आता है
कि जीवधारी द्वारा अपनी प्रजाति की संतन तो उत्पन्न करना ही प्रजनन कहलाता है, ये हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। उसके बाद में जो कोशिकाएं होती हैं तो कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। और फिर उसके बाद में होता है कोशिका विभाजन का आधार है। और देखिए कोशिका विभाजन कैसे होता है, तो उसको जो है समझने के लिए डीएनए को समझना होगा। डीएनए का नाम है, इसको ऐसे समझ लीजिए डीएनए, इसका होगा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये होता है। तो डीएनए को क्या बोलते हैं हम, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, जिस इसका काम होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण पहुंचाना। डीएनए के द्वारा ही जो है मनुष्य के लक्षण जो है उसकी संतान में जाते हैं। ज्यादातर मैक्सिमम आप लोग देखते होंगे कि जो व्यक्ति होता है उसके जो है बच्चे में उसी के जैसी क्वालिटी होती है, तो ये गुण जो है डीएनए के द्वारा संभव है। ये हो गया। फिर उसके बाद में क्या है, जिसमें ना सिर्फ जीव के वृद्धि व विकास की सूचना निहित होती है अपितु गुणन भी क्षमता होती है। हम पहले ही बता चुके हैं कि डीएनए के द्वारा मनुष्य के जीवन में जो है वृद्धि होती है। सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद में फिर धीरे 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 करके वो वृद्धि करता है। तो ये सब क्षमताएं जो है डीएनए के द्वारा संभव है। और उसके बाद में क्या है कि ये जो है माता पिता के लक्षण अगली पीढ़ी में लाता है, ये काम हो गया डीएनए का। फिर उसके बाद में अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि देखिए सभी जीवधारी जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद में अपनी निश्चित जो है जो निर्धारित आयु है उसको भोगने के बाद में, अपनी निर्धारित आयु जो है व्यतीत करने के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद में अगली हेडिंग आती है जीवन काल। इसमें जो है जीवन काल के बारे में बताया जाएगा कि जीवन काल, हम आपको बताएंगे कि जीवन काल है क्या। तो देखिए जब मनुष्य, कायदे से समझ लीजिए, जब मनुष्य जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में उसके शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले मनुष्य जो है जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में धीरे धीरे वो बढ़ता है, और बढ़ने के बाद में जब 12 से लेकर के 15 साल की जब उम्र हो जाती है, लगभग 18 साल के बाद में, तो उसको क्या बोलेंगे, सबसे पहले जब जन्म लेता है तो वो नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता है। उसके बाद में फिर जो है वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है, और किशोरावस्था में प्रवेश करने के बाद में वो क्या होता है कि वयस्क हो जाता है, और वयस्क होने के बाद में फिर धीरे धीरे करके जो है वृद्ध हो जाता है, और वृद्ध के बाद में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार जो जन्म से लेकर के और जो मृत्यु की प्रक्रिया है उसको हम जीवन काल बोलते हैं। फिर क्या है, जो मृत्यु है वो जनन की कह लीजिए अंतिम जो है प्रक्रिया है। मनुष्य का जनन जो है वो जन्म के बाद में स्टार्ट होता है और मृत्यु से पहले जो है खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वो अमर नहीं है, उसकी एक निर्धारित आयु होती है। फिर प्रत्येक जीव की निश्चित समयावधि होती है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जन्म लेने के बाद में जन्म और मृत्यु ये प्रकृति की देन है। माना भी जाता है इतिहास में
कि जब कोई भी मनुष्य जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। पृथ्वी को मृत्यु लोक बताया गया है। मृत्यु लोक क्यों? क्योंकि यहाँ कोई भी जीव जिसमें जान पाई जाती है, अगर उसका जन्म हुआ है पृथ्वी पर तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये हो गया जीवन काल के बारे में, जिसमें हम आपको जो है डिटेल से बताए हैं। अब बताएंगे हम आप लोगों को आगे प्रजनन के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो देखिए प्रजनन की भूमिका अगली जो आपकी हेडिंग है होगी ये इसी के अंतर्गत होगी, प्रजनन की भूमिका। प्रजनन की भूमिका इस हेडिंग के अंतर्गत हम बताएंगे आप लोगों को। तो देखिए जो प्रजनन की भूमिका है इसके बारे में समझ लीजिए। सबसे पहला जो है इसके अंतर्गत एक पॉइंट आता है, वो है प्रजाति की निरंतरता। अगली हेडिंग है ए नंबर करके बताएंगे प्रजाति, ये हो गया प्रजाति की निरंतरता, ये हो गया प्रजाति की निरंतरता। तो प्रजाति की निरंतरता में क्या है कि कोई भी प्रजाति है, चाहे वो मनुष्य की हो या कोई भी एनिमल की हो या कोई भी प्लांट की हो, उसकी जो स्पीसीज यानी प्रजाति होती है वो निरंतर चलती रहती है। और निरंतर चलती किसके द्वारा रहती है? प्रजनन के द्वारा। क्योंकि प्रजाति की निरंतरता जो है वो प्रजनन के द्वारा ही संभव है। हम पहले ही बता चुके हैं इसके अंतर्गत जीव में जनन के अंतर्गत कि अगर मनुष्य जन्म लेगा और प्रजनन उसमें जो है प्रजनन की क्षमता नहीं होगी तो धीरे धीरे करके जो है उसकी जो प्रजाति है वो नष्ट हो जाएगी। तो प्रजाति को बनाए रखने के लिए प्रजाति की निरंतरता जो है बहुत जरूरी है, यानी कि प्रजनन की जो है प्रक्रिया बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में क्या है कि सबसे पहले जब मनुष्य जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में जब वो वयस्क हो जाता है तो वयस्क के बाद में उसमें जो है प्रजनन की क्षमता जो है स्वतः अपने आप उत्पन्न हो जाती है। और जब प्रजनन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है तब जो है मनुष्य प्रजनन करता है और प्रजनन के बाद में अपने जैसी नई संतान उत्पन्न करता है, फिर वही संतान जो है अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है। इससे क्या होता है कि प्रजाति की जो है निरंतरता बनी रहती है। सपोज दैट मान लीजिए मनुष्य जन्म लेता है और जन्म के बाद में उसके मृत्यु हो जाती है, तो जन्म के बाद में अगर उसकी मृत्यु हो गई और उसने जो है प्रजनन नहीं किया तो उसकी जो भी प्रजाति है वो नष्ट हो गई। फिर इसी के अंतर्गत अगली जो है आपकी हेडिंग आती है बी नंबर करके जैव विकास, जैव विकास। ये जो जैव विकास है अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैव विकास के अंतर्गत कि मनुष्य हो या कोई भी एनिमल हो तो उसमें जो है विकास कैसे होता है। तो देखिए प्रजनन जीवों में विभिन्नताओं के स्रोत के रूप में भी कार्य करता है। और जो प्रजनन है तो प्रजनन के अंतर्गत क्या होता है कि मनुष्य में अनेक प्रकार के जो स्रोत हैं उनके रूप में कार्य करता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि कोशिका विभाजन व लैंगिक प्रजनन में उपजी विभिन्नताओं जीवों को बदलने पर्यावरण के सफलतापूर्वक जीवन यापन हेतु सक्षम है। तो देखिए जो कोशिका विभाजन है तो कोशिका विभाजन के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी एनिमल है तो वो वातावरण के अपने आप को अनुकूल कर लेता है, वातावरण के अनुकूल कर लेता है और उसके बाद में
उस वातावरण में सफलता पूर्वक जो है जीवन यापन करता। ये किसके अंतर्गत आता है? जैव विकास के अंतर्गत। जैव विकास में धीरे धीरे जो है वृद्धि होती है, और फिर वृद्धि होने के बाद में मनुष्य एक जो है परिपक्व या कह लीजिए कि मैच्योर ह्यूमन बन जाता है। तो ये हो गया जैव विकास के बारे में। जैसे अभी जो है जीवन काल के बारे में इससे पहले बताया गया। तो देखिए जीवन काल में क्या है कि तमाम प्रकार के एनिमल हैं और तमाम प्रकार के जो हैं पेड़ पौधे हैं, उन सब की हम जो है उम्र के बारे में जानेंगे। तो हम बता दें आप लोगों को उम्र के बारे में, फिर उसके बारे में जो है बता रहे हैं। तो इधर होगा जीव जन, या हो जाएगा पेड़ पौधे, ये पेड़ पौधे हो जाएंगे, और इधर जो है उनकी उम्र हो जाएगी। तो देखिए नंबर एक में क्या है, नंबर एक में आपके आता है हाथी। हाथी जिसको इंग्लिश में एलिफेंट बोलते हैं, ये हो गया। तो अब एलिफेंट की जो है उम्र कितनी होती है, तो वो होती है 65 से 90 वर्ष, ये हो गया। ये आपकी जो है हाथी की उम्र हो गई जो 65 से 90 वर्ष होती है। इसी में जो है जन्म लेता है और वयस्क होता है, वयस्क के बाद में प्रजनन की क्षमता होती है, ये सब इसी उम्र के अंतर्गत होता है। फिर दूसरा आपका आता है, दूसरा है गुलाब। गुलाब को इंग्लिश में रोज बोलते हैं, ये हो गया। इस ये पौधा है, इसकी जो आपकी उम्र होती है वो होती है 5 से 7 वर्ष, ये हो गया। फिर तीसरा है कुत्ता डॉग, ये हो गया। तो कुत्ते की उम्र कितनी होती है, 15 से 20 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, ये हो गया। फिर चौथे नंबर पर है बटरफ्लाई यानी कि तितली, तितली बटर फ्लाई, इसकी उम्र के बारे में जान लीजिए। इसकी उम्र होती है बहुत ही कम, 1 से 2 वर्ष, इसकी उम्र 1 से 2 वर्ष होती है। फिर उसके बाद में अब ये बता रहे हैं पांच नंबर पर, पांच नंबर पर आपके आता है कौवा, ये हो गया कौ CROW, ये हो गया। इसकी कौवे की जो है उम्र होती है 15 वर्ष, 15 वर्ष हो गई उम्र। फिर जो है केला, केला जो पौधा है केला BANANA, बनाना, बनाना मैंने केला होता है, और इसकी उम्र होती है 10 से 15 महीने, ये हो गया। फिर उसके बाद में गाय हो गई COW, गाय हो गई। गाय की उम्र जो है 25 से 30 वर्ष होती है, 25 से 30 वर्ष। इसी प्रकार से सबकी जो है निर्धारित उम्र होती है। सबसे ज्यादा जो उम्र होती है वो होती है बरगद की, बरगद की यानी कि जिसको इंग्लिश में बनियान ट्री बोलते हैं, BANYAN
A-N-T-R-U। ये हो गया बनियान टिड्डी यानी कि बरगद, और बरगद की उम्र होती है लगभग 200 वर्ष। 200 वर्ष हो गया। फिर इसके बाद में इसी प्रकार से जो है सर की उम्र निर्धारित होती है। तो उसके बाद में हम बता रहे थे, अब उसी के आगे चलते हैं बताने के लिए। बताए थे हम आपको जैव विकास के बारे में। जैव विकास में हम आपको बताएं कि जैव विकास क्या है, जिसमें जीवों का विकास होता है और उनकी निर्धारित आयु आती है, उसी निर्धारित आयु के अंतर्गत जो है जीवों का विकास होता है। फिर है पारिस्थितिक संतुलन। अब हम बताएंगे पारिस्थितिक संतुलन के बारे में। पारिस्थितिक ये हो गया पारिस्थितिक और ये हो गया संतुलन के बारे में। तो देखिए पारिस्थितिक संतुलन क्या है। जीवों की मृत्यु के बाद प्रजनन उनका प्रतिस्थापन करता है। प्रजनन क्या करता है कि जो जीव होते हैं उनका प्रतिस्थापन करता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है स्थान में परिवर्तन। तो स्थान में परिवर्तन क्या है कि मनुष्य का जन्म हुआ, जन्म के बाद में वो वयस्क हुआ, वयस्क के बाद में मृत्यु हो गई, ये हो गया प्रतिस्थापन यानी स्थान में परिवर्तन हो गया। और फिर वो एक्सपायर हो गया, मान लीजिए किसी के जो है फादर्स हैं एक्सपायर हो गए, उसके स्थान पर जो है उसका लड़का हो गया, ये हो गया प्रतिस्थापन। तो इस प्रकार से मृत्यु के बाद जो है प्रजनन विस्थापन प्रतिस्थापन करता है, यानी कि उसके स्थान पर जो है नया व्यक्ति आ जाता है। फिर क्या होता है, और पृथ्वी पर जीवधारियों की आवश्यक संख्या बनी रहती है। तो जो संख्या कैसे बनी रहती है, संख्या बनी रहती है प्रजनन के द्वारा। अगर प्रजनन की प्रक्रिया नहीं होती है तो क्या है कि संख्या जो है बने रहने के बजाय शून्य हो जाएगी। फिर आगे है आपका कि ये मृत्यु के पूरक के रूप में कार्य करता है। इसके द्वारा जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु से पहले उसके बच्चे जो जन्म लेते हैं वो संख्या को बनाए रखते हैं। अगली हेडिंग होगी खाद्य सुरक्षा। ये हो जाएगा खाद्य सुरक्षा हो जाएगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी ये हो जाएगा फूड सिक्योरिटी। तो देखिए खाद्य सुरक्षा में क्या है, ये पहलू मानव कल्याण से संबंधित व आर्थिक पक्ष का है। देखिए इसमें खाद्य सुरक्षा में बताएंगे हम आपको मानव कल्याण के बारे में कि मनुष्य का कल्याण कैसे संभव है। तो मनुष्य के कल्याण में क्या है कि मनुष्य जो है प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर रहता है, अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहता है, जिसको जो है खाद्य सुरक्षा बोलते हैं। जैसे मनुष्य जो है वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है और सर्वाहारी भी है। मनुष्य क्या है वो सब कुछ खा लेता है, इसलिए उसको सर्वाहारी बोलते हैं। देखिए तो इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि कुछ जो है जीव जंतु जो है वो शाकाहारी होते हैं, फिर उसके बाद में मांसाहारी आते हैं, फिर उसके बाद में जो है सर्वाहारी होते हैं। इसको समझने के लिए जो है पारिस्थितिक तंत्र एक होता है उसको समझना पड़ेगा। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र को हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, उसके बाद में जब उस लेसन पर पहुंचेंगे तब डिटेल से बताएंगे। तो पारिस्थितिक तंत्र के बारे में क्या है, जैसे मनुष्य अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहता है, पेड़ पौधों पर। मनुष्य अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है। और फिर जो है अगर बाई चांस पेड़ पौधों से भोजन नहीं मिल रहा है तो वो जीव जंतुओं पर निर्भर रहता है।
जीव जंतुओं को मारकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। इसी प्रकार से जो गाय भैंस बकरी ये सब जो शाकाहारी में आती हैं, ये सब अपने भोजन के लिए सिर्फ और सिर्फ किस पर जो है पेड़ पौधों पर निर्भर रहती हैं। ये पेड़ पौधों को खा करके अपना भोजन जो है प्राप्त करती हैं। और फिर इसी प्रकार से जो मांसाहारी जीव हैं, जैसे कि कुत्ता हुआ आपका, शेर हुए और बाघ हुए, चीता हैं, ये सब अपने भोजन के लिए निम्न कोटि के मांसाहारी पर निर्भर रहते हैं। जैसे आपका शेर है, शेर अपने भोजन के लिए बकरी, इन सब पर निर्भर रहता है। तो इस प्रकार से जो भी मनुष्य है या फिर कोई भी जीव जंतु है या फिर कोई भी प्राणी, वो अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहता है। ये हो गया खाद्य सुरक्षा। और भोजन से पोषण प्राप्त होता है और पोषण से शरीर को ऊर्जा मिलती है, और शरीर को ऊर्जा मिलने के बाद में क्या होता है कि उसकी जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, वो चलता रहता है। इस प्रकार से प्रजनन की भूमिका आपकी पूर्ण होती है, संपन्न होती है। तो अब हम इसको जो है हटाएंगे, और इसको हटाने के बाद में प्रजनन के प्रकार बताएंगे। अगली हेडिंग है प्रजनन के प्रकार, ये हो गए प्रजनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये हो गया। तो देखिए प्रजनन के प्रकार में क्या होता है, कायदे से समझ लीजिए। जीव जगत की विविधता ने जीवों के प्रजनन की विधियों में भी विविधता पैदा की है। देखिए जितने भी जीव जंतु हैं और प्राणी हैं, तो उसमें जो है प्रजनन अलग अलग प्रकार से होता है और अलग अलग समय में होता है। तो देखिए जैव विकास के साथ साथ जीवों में प्रजनन के विभिन्न भिन्न भिन्न विधियां विकसित हुई हैं। तो इसमें जो है क्या है, जीव जंतुओं के साथ साथ बताया गया है कि जो भी पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं, उसमें प्रजनन अनेक प्रकार का होता है, और उनका जो वास स्थान है, रहने का स्थान है, वो भी अलग होता है, और फिर उनकी जो फिजियोलॉजी है यानी कार्की है, वो सब अलग अलग कारणों पर निर्भर रहती है। देखिए जनन में भाग लेने वाले जीवों की संख्या के आधार पर प्रजनन को दो भागों में बांटा गया। प्रजनन के दो भाग होते हैं, पहला आपका है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। ये हो गया आपका लैंगिक जनन और दूसरा हो गया अलैंगिक जनन। इसको जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, और ये हो गया एसेक्सुअल, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए जो आपका पहला पॉइंट है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है कि इसमें लैंगिक जनन के लिए जो है दो जनकों की आवश्यकता होती है, और इसमें जो है माइक्रोस्कोपिक जीव जो है नहीं होते हैं। इसमें दो जनक होते हैं और दो जनक मिलकर के जो है रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन बोल करते हैं, जिससे जो नई संतान उत्पन्न होती है उसका जो है स्वभाव
अपने माता पिता की तरह होता है। उसके शरीर का आकार और शरीर में वृद्धि माता पिता के द्वारा होता है, जिसका जो है मेन मुख्य कार्य जो है डीएनए का। डीएनए मनुष्य में जो है लक्षण उत्पन्न करता है, सभी माता पिता के लक्षण डीएनए के द्वारा जो है नए बच्चे में होते हैं। और फिर देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे अलैंगिक जनन के बारे में, क्योंकि पहले हेडिंग जो है अलैंगिक जनन है। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जनन एक व्यक्ति के द्वारा जनन होता है, और अलैंगिक जनन में एक जन को की आवश्यकता होती है, और इसमें सभी जीव जंतु जो हैं वो एक कोश के होते हैं। एक कोश के का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक, यानी कि सूक्ष्म दर्शी, जिनको हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक एनिमल यानी माइक्रोस्कोपिक जीव जंतु कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां पर जो है आप एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, एग्जाम्पल के लिए क्या है कि सभी प्रोटोजोअन, ये हो गया एग्जाम्पल प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन में क्या है, इसका एग्जाम्पल है ये फाइलम है, संघ है संघ प्रोटोजोआ, और इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा है आपका अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम हो गया, फिर हो गया युगलीना, और फिर त्रिपैनोसोमा, त्रिपैनोसोमा, ये सब माइक्रोस्कोपिक हैं यानी सूक्ष्मदर्शी हैं और एक कोशिकीय हैं, यूनिसेलुलर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय हैं। इनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये एक कोशिकीय आते हैं। और देखिए फिर इसी प्रकार क्या है कि इसमें जनन के लिए जो है हम पहले ही बताए हैं एक जो है व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो देखिए जब संतत की उत्पत्ति केवल एक जनक के द्वारा होती है तब इस प्रकार के प्रजनन को अलैंगिक जनन ये हो गया होता है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान, जो अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान होगी वो बिल्कुल जो है अपने पेरेंट्स यानी माता पिता की तरह सेम होगी, उसका आकार प्रकार सब जो है अपने माता पिता की तरह होगा। जैसे अमीबा, अमीबा जो है एक कोशिकीय है और इसमें